दोस्तों जय हिंद। आपको मैंने कहा था कि मेडिकल से रिलेटेड हम अपडेट देते रहेंगे कि रीमेडिकल किस में दे रहा है, मेडिकल फिट मतलब अनफिट किस में कर रहा है, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा, हम फिर से दोहरा रहे हैं ये बात को। फिलहाल 3 दिन के थोड़ा सा फिजिकल के बारे में बात करें। अगर पहले दिन आपको बताया था 56 में से 32 गए थे मेडिकल के लिए, मतलब 100 में से 56 प्रेजेंट हुए, 32 मेडिकल के लिए गए। उसके बाद 24 को भी गए, कितने 63 प्रेजेंट हुए थे और 48 के करीब गए थे मेडिकल के लिए, ठीक है। उसके बाद आज की बात करें तो 61 लोग प्रेजेंट हुए हैं और मेडिकल के लिए कितने हुए हैं इसके एग्जैक्ट डाटा नहीं है अभी। इसका कारण यह है कि सुबह से शाम तक मेडिकल में लग जाता है और फिर इतना समय नहीं हो पाता, फिर हम अपडेट देते रहेंगे। मेन बात यह है कि फाइनली जो है वो 23 तारीख वालों का अभी लगभग तय हो चुका है। उसमें से 100 में से 22 लोग फिट हुए हैं और कुछ लोगों को रीमेडिकल मिला है, ठीक है। तो क्या क्या मिला है रीमेडिकल और किस में कुछ भी नहीं हुआ तो हम उससे डिटेल में बात करेंगे। तो बस एक मिनट ये बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कई लोग ऐसे पूछ रहे हैं कि भैया एडिट कर लें आधार कार्ड में या किसी डॉक्यूमेंट पे। तो देखो, फर्जी काम आप करने नहीं जा रहे हो तो ऐसे मत करना। हाँ, ऑनलाइन चेक होता है नहीं होता है वो वही जाने, ठीक है। आधार कार्ड आजकल क्या है, अब जैसे ही थंब इम्प्रेशन लगाते हो तो चेक हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, लेकिन एडिट मत करना, आधार कार्ड का कोई रोल नहीं है, परेशान मत होना, ठीक है। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं रीमेडिकल से रिलेटेड, ठीक है। तो 22 लोगों का फिट हुआ है, जिसका रीमेडिकल हुआ है या फिर जो अनफिट हुए हैं उनमें से बताऊं अगर एक एक करके कारण थोड़ा सा क्या है तो, ठीक है। देखो, स्वेलिंग थी ये दोस्त मेरा कह रहा है, तो स्वेलिंग है या गांठ है एक्चुअली शरीर में, ठीक है, 4x4 सेंटीमीटर का शरीर में, इस पे है, ठीक है। पहला रीमेडिकल पॉइंट है ये। हालांकि अभी रीमेडिकल हुआ नहीं, अंतिम रूप से फाइनल नहीं हुआ है किसी का, ठीक है। रीमेडिकल के लिए एक चीज़ आपको बता दूं, वहां पे जब आप फिट अनफिट होता है ना तो पहले से पता चल जाता है अनफिट हो गए आप वहां पर, तो उस वक्त एक फॉर्म देते हैं, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो रीमेडिकल अप्लाई करोगे, वहां पर से मिलता है, ठीक है। और सभी चीज़ में नहीं मिलता, समझ गए, सभी चीज़ में नहीं मिलता, इस बात का ध्यान रखिएगा, आप अप्लाई ज़रूर करना, ठीक है। तो पहला कारण क्या है, एक कारण है स्वेलिंग थी शरीर में, ठीक है। अब वो गांठ था, ये क्या था उसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, हम जरूर अपडेट देंगे आपको जब अगली बार जुड़ेंगे तो। दूसरी बात है हाथ में कैरिंग एंगल का, ठीक है, कैरिंग एंगल का भी है, उसकी वजह से भी डिस्क्वालीफाई किए मेडिकल में, वेरिकोसिल वेन की वजह से, ठीक है, वेरिकोसिल वेन की वजह से भी डिस्क्वालीफाई हुए हैं, ठीक है। अभी इसमें रीमेडिकल देंगे कि नहीं ये अंतिम रूप से ये बचा हुआ है, क्योंकि फाइनल अभी आने में, जब आप मुझे देख रहे हो, ठीक है, तब ये लगभग 8-7.5 के करीब हो रहा होगा और ये 10 से 10.5 बच सकता है। ये 23 तारीख वालों का है, मैंने कहा था 3 से 4 दिन लग सकता है, तो आज 3रा दिन हो गया है ना, तो कहीं ना कहीं आज या तो फाइनल हो जाएगा या कल सुबह तक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिमोसिस को लेकर के हुआ है, ठीक है, फिमोसिस तो वो एक हुआ है पेनिस की वजह से, और 2 लड़के जो हुए हैं रीमेडिकल या डिस्क्वालीफाई हुए हैं, हालांकि इनको रीमेडिकल दे सकता है, वो हुए हैं यूरिन इन्फेक्शन की वजह से। तो इसमें देखो 2-3 चीज़ है जिसका उपाय है, जैसे वेरिकोसिल, तो इसके लिए आप अप्लाई ज़रूर करना, ठीक है। यूरिन इन्फेक्शन की वजह से जो रीमेडिकल है उसमें मिल सकता है। 2 लोगों का क्या हुआ, रीमेडिकल नहीं हुआ लेकिन दोबारा से उनका यूरिन सैंपल लिया गया, ठीक है, आज सुबह की बात है। पहले तो 24 को दिए थे, 24 को उनका टेस्ट हुआ, कुछ गड़बड़ी हुई 2 लड़कों का, आपको बताया, जिसमें से अंतिम रूप से 22 चयन हुए हैं और अभी 8 जो हैं ऐसे जो इस तरह के, मतलब रीमेडिकल और मेडिकल अनफिट के वजह के चक्कर में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो ये है 4-5 केसेस, जिसमें से एक बार फिर से दोहरा दूं अगर, तो यूरिन इन्फेक्शन के लिए, पेनिस में फिमोसिस के लिए, वेरिकोसिल वेन के लिए और कैरिंग एंगल के लिए और स्वेलिंग के लिए, ठीक है। स्वेलिंग में आप इसमें थोड़ा सा गांठ भी कह सकते हो, एग्जैक्ट इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आपको बताया समय का थोड़ा सा है और 10 बजे तक 11 बजे तक पता चल पाएगा, ठीक है। तो हम इसका एग्जैक्ट जानकारी कल देंगे, ठीक है। और दूसरी बात आपको बताया, दांत के लिए कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं आया, मैंने पूछा कि दांत का कुछ बताओ, बोला दांत का ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है, उसमें रीमेडिकल मेडिकल वाली कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है मामला, ठीक है। तो आज का सुझाव ये है कि जिसमें जो है वो, बाकी सफाई वगैरह तो दांत का और कान का तो आप करवा ही लिए होंगे अब तक, दूसरा चीज़ ये कर सकते हो, ऐसा कहते हैं, अब कितना सही है नहीं है आप पूछ सकते हो, अपने घर में मम्मी पापा होंगे, बुजुर्ग होंगे, तो नारियल पानी पीने से थोड़ा सा यूरिन का जो इन्फेक्शन है वो कम होता है, थोड़ा सा उसमें सुधार होता है, ठीक है, तो वो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं फिर, बने रहिएगा, जय हिंद।